वेलकम बैक टू आवर वीडियो गाइस। तो गाइस आज की इस वीडियो में यहाँ पे रिव्यू करने वाले यहाँ पे ये साइरोटेज का जीपॉन ईपॉन वायरलेस राउटर। तो गाइस यहाँ पे आप राउटर देख सकते हो, ये फाइबर ऑप्टिकल्स के लिए यहाँ पे यूज होता है। लाइक यहाँ पे बीएसएनएल वाले वगैरह भी इसे यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे आपके जो नॉर्मल से वेंडर्स रहते हैं, मतलब आपके जो लोकल वेंडर्स वगैरह रहते हैं, ये सब इसे ज्यादा करके यूज करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम इसे पूरी तरीके से यहाँ पे टेस्ट करने वाले, लॉन्ग टर्म रिव्यू, मतलब इसे एक बार बाय करने के बाद कुछ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आने वाले है, कितना फ्रीक्वेंसी भी ये काम करता है, सिंगल ब्रांड है या फिर ड्यूअल ब्रांड है, कितनी साल की यहाँ पे आपको वारंटी मिल जाती है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन लेना आपको यहाँ पे फायदा उनका सौदा हो सकता है। तो गाइस सारे टॉपिक्स हमने इस वीडियो में कवर अप किए हुए हैं। तो गाइस आपको यहाँ पे वीडियो को एंड तक देखना, आपके ऑर्डर स्लो हो जाएंगे। तो चले गए बिना किसी तरीके से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अनबॉक्सिंग की बात किया तो गाइस अनबॉक्सिंग तो यहाँ पे हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे मेरा बॉक्स भी खराब, मतलब यहाँ पे कहीं गुम हो गया। तो बॉक्स के अंदर कुछ गाइस यहाँ पे नहीं मिलता, यहाँ पे आपको राउटर मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो सिंपली ऐसे एक राउटर मिल जाता है, व्हाइट कलर में रहता है। यहाँ पे आपको एंटीना मिल जाएंगे, तो ये मेरा दो एंटीने वाला है, यहाँ पे चार एंटीने वाला भी आता है, सिंगल बैंड वाला राउटर है। और यहाँ पे गाइस आपको यहाँ पे मिल जाता है एक पावर सप्लाई वाला 12 वॉट का एक एडाप्टर यहाँ पे मिल जाता है गाइस, जो आपके वाईफाई राउटर को यहाँ पे पावर सप्लाई देगा। तो गाइस यही सब थी अनबॉक्सिंग के बारे में वीडियो। तो गाइस मेरे पास यहाँ पे 300 Mbps वाला ये राउटर है, व्हाइट कलर में आता है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से डिजाइन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, नीचे आपको सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, लाइट्स, और यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे थोड़े मतलब होल्स मिल जाते हैं, पीछे के साइड भी यहाँ पे है और आगे के साइड में भी है। और ये सिंगल बैंड वाईफाई राउटर है, तो अगर इसे बाय करना होगा तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो पीछे के साइड आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका जो ऑप्टिकल फाइबर केबल का आपका यहाँ पे केबल आ जाएगा, यहाँ पे LAN 1 LAN 2 है, और यहाँ पे ये आपको चार्जर अडेप्टर मिल जाता है जिससे आप पावर सप्लाई कर सकते हो राउटर को। गाइस यहाँ पे पावर अडाप्टर आपको यहाँ पे मिल जाता है, 12 वॉट का पावर अडाप्टर है जो अपने राउटर को यहाँ पे पावर सप्लाई देगा। गाइस नेटवर्क फीचर्स की बात किया तो गाइस आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग रेंज मिल जाती है 100 मीटर्स की। फ्रीक्वेंसी की बात किया तो 2.4 GHz की आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। गाइस बैंडविड्थ की बात किया तो आपको 20 से 40 बैंडविड्थ का यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है, आपको यहाँ पे सिंगल बैंड का ही सपोर्ट मिल जाता है इस राउटर के साथ। स्पीड्स की बात किया तो आपको यहाँ पे वायरलेस 300 Mbps का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है, और DSL मोड गाइस यहाँ पे आप इसे यूज करोगे तो आपको यहाँ पे 100 Mbps की स्पीड गाइस यहाँ पे मिलेगी। पोर्ट्स के बारे में बात कीजिए गाइस तो यहाँ पे आपको सिर्फ अपने LAN 1 LAN 2 पोर्ट मिलेगा, और आपको यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का यहाँ पे पोर्ट मिलेगा, और कोई भी USB का पोर्ट यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे कोई सर्वर या फिर कोई स्टोरेज यहाँ पे बना सकते हो आपके राउटर के अंदर, तो गाइस ये मुझे अच्छा नहीं लगा, ये रहता तो कोई अच्छी बात रहता था, क्योंकि फाइबर ऑप्टिकल केबल होने के कारण यहाँ पे आपको सर्वर या फिर कोई स्टोरेज यहाँ पे आपको बनाने को नहीं मिलेगा। राउटर के बैक साइड में गाइस यहाँ पे आपको IP एड्रेस मिल जाएगा, उसका MAC एड्रेस मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको डिफॉल्ट IP एड्रेस डाल के यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे पासवर्ड से लेके लॉगिन तक का आपको सारा प्रोसेस यहाँ पे मिल जाएगा। तो आगे हम इसे देखने वाले, तो आप इस बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। तो गाइस यहाँ पे इंडिकेटर्स की बात किया तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाता है, आपका वाईफाई यहाँ पे कनेक्ट होता है तो यहाँ पे ग्रीन आएगा, अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है जैसे आगे से कोई लाइन कट चुकी है या फिर जो पावर सप्लाई नहीं मिल रहा है आपके फाइबर ऑप्टिकल केबल को, जो यहाँ पे आपके वाईफाई फिर आपके राउटर में यहाँ पे एरर का एक मैसेज आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे रेड कलर की लाइट यहाँ पे गाइस यहाँ पे जलती हुई मिल जाएगी। आपको इसे लॉगिन करना है आपके वेब एड्रेस में, तो आप लॉगिन कर सकते हो 192.168.11। तो यहाँ पे आप जैसे वेब ब्राउजर में आप यहाँ पे डालोगे IP एड्रेस, तो आपका यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म रिव्यू के लिए, तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 महीने इसे यूज़ किया गाइस, तो यहाँ पे मुझे कोई भी यहाँ पे कुछ ग्लिच नहीं लग रहा है, मतलब यहाँ पे जैसे कोई स्पीड टेस्ट की बात किया तो स्पीड जैसे यहाँ पे मेरा 30 Mbps का स्पीड है नॉर्मल वाला, तो यहाँ पे मुझे अच्छी खासी स्पीड भी मिल जाती है, और यहाँ पे मैं इसे दिन रात चालू रखता हूँ गाइस, तो मतलब कोई फर्क ही नहीं रहता, और स्पीड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और जो प्रोवाइडर है जहाँ पे मेरे लोकल से ही है वो भी अच्छी खासी यहाँ पे सपोर्ट भी मिल जाते हैं, थोड़े है लेकिन ठीक है, वो हिसाब से हो जाता है पूरी तरीके से यहाँ पे मैनेज हो जाता है, और स्पीड में तो मुझे कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं मिल जाती गाइस। तो यहाँ पे मैं लाइव टेस्ट भी यहाँ पे दिखा देता हूँ गाइस, यहाँ पे आपको लाइव टेस्ट, तो गाइस यहाँ पे मैं आपको लाइव टेस्ट भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे 30 Mbps वाला मेरा प्लान है, तो यहाँ पे अपलोडिंग और डाउनलोड स्पीड यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे हम ब्लास्ट में बात करेंगे, तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसे आपको ऑफलाइन लेना चाहिए या फिर ऑनलाइन लेना चाहिए। तो या गाइस यहाँ पे मैंने इसे लिया था ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन की बात किया तो यहाँ पे कोई कोई जगह पे डिलीवर नहीं हो पाता, तो आपको यहाँ पे ऑफलाइन ही लेना पड़ेगा। तो अगर ऐसे आपको बाय करना होगा तो इसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से दोनों तरीके से यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे ऑफलाइन कैसे रहता है, मतलब कुछ आप जैसे ऑफलाइन लोग हैं तो मतलब कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप डायरेक्टली जो अपने सर्विस प्रोवाइडर वहाँ से डायरेक्टली बात कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम आया भाई यहाँ पे जो आपका राउटर नीचे काम कर रहा है, आप जाके लेके जाओ यहाँ से, या फिर हमें नया राउटर दे दो। तो यहाँ पे कोई कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको डायरेक्टली सोल्यूशन मिल सकता है। और जैसे आपने यहाँ पे ऑनलाइन बाय किया है तो ऑनलाइन बाय करते आपको यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है, मतलब फिर से आपको वारंटी रजिस्टर करना पड़ेगा,
फिर इसे क्लेम करना पड़ेगा, यहाँ वहाँ भागो दौड़ो, यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ पे आपको दे सकते हैं गाइस। तो लैब में यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ, यहाँ पे अगर आपको ऑफलाइन मिल रहा है कुछ थोड़े पैसे 100-200 लग रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप यहाँ पे ऑफलाइन ले लेना, आपको यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम कम देगा ये। मतलब कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप डायरेक्टली यहाँ पे समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आप डायरेक्टली अपने जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है यहाँ से डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हो, क्या भाई मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे आप सॉल्व कर दो, हमने अभी इसे परचेस किया तो यहाँ पे इसके अंदर प्रॉब्लम आ गया। तो गाइस ये सब थी साइरोटेज राउटर के बारे में। तो अगर आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वाली वीडियो अच्छी होगी तो गाइस हमें कमेंट करके जरूर बताना। आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो यहाँ पे फाइल का, मतलब अपने राज्य राउटर का नेम यहाँ पे चेंज कर सकते हो, पासवर्ड यहाँ पे चेंज कर सकते हो, पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हो, किसी मतलब किसी एक का यहाँ पे आप किसी कोई घर में आपको यहाँ पे परेशान कर रहा तो आपको इसे डायरेक्टली यहाँ पे डायरेक्टली उसे ब्लॉक भी कर सकते हो। तो गाइस आपको कोई रैंडम पर्सन आपके वाईफाई से यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है तो आप इसे कैसे डिसकनेक्ट कर सकते हो, उसे ब्लॉक भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पे जो पैटर्न कंट्रोल यहाँ पे आपको कोई कोई वेबसाइट पे आप इसे ब्लॉक करना है तो आप डायरेक्टली ब्लॉक भी कर सकते हो। तो सारी प्रोसेस हम इस नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे, लेकिन गाइस आपको यहाँ पे नीचे कमेंट करके बताना होगा आपको कॉन्फ़िगरेशन वाली वीडियो चाहिए कि नहीं। तो गाइस यही थी आज की वीडियो में साइरोटेज राउटर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।